बर्ड फ्लू बीमारी को लेकर हमीरपुर जिला में अलर्ट जारी किया हुआ है और बर्ड फ्लू से एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला हमीरपुर में पिछले 1.5 माह में 24 केस बर्ड फ्लू के सामने आए हैं, जिसके चलते वन विभाग भी पूरी निगरानी हर जगह पर रख रहा है। हमीरपुर में पाए गए मामलों की जाँच पहले जलंधर में करवाई गई और उसके बाद भोपाल में लैब में जांच करवाई गई है, जिससे पुष्टि हुई है कि इनमें बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए हैं। वन विभाग हमीरपुर के मुख्य वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर टीमें गठित की गई हैं, जो कि हमीरपुर के अलावा देहरा और ऊना जिलों में पूरी निगरानी की जा रही है, तो पंचायत स्तर पर भी गाँव गाँव में कमेटियों का गठन किया गया है। मुख्य वन अरण्यपाल अनिल जोशी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है और कोई भी मामला सामने आने के बाद फील्ड स्टाफ के द्वारा तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि H5N1 वायरस पोंग डैम वाले पक्षियों में पाया गया था, लेकिन हमीरपुर में पाए गए मामलों में H5N वायरस बर्ड फ्लू का पाया गया है, जिसको लेकर अब पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। टोटल पिछले लगभग 1.5 महीने से हमें 24 केसेस की रिपोर्टिंग आई है, और जिसमें कि क्रोज हैं, आउल है, पैराकीट्स हैं, और दो केसेस जो हमको नदौन में क्रोज के मिले, उसका हमने सैंपल को उसको चेक कराने के लिए उसे जलंधर भेजा था, फिर उसके बाद वहां से भोपाल भेजा, और अब हमें इसकी कंफर्मेशन मिली है कि वो बर्ड फ्लू का केस है। स्लाइटली जैसा हमारे लिए रिलीफ की बात यह है कि ये H5N1 नहीं है, जो कि नॉर्मली वी आर फाइंडिंग अराउंड पोंग डैम, और वो काफ़ी इन्फेक्शस है, और ये H5N8 ये वायरस जो है ये आइडेंटिफाई हुआ एज पर द रिकॉर्ड। वर्ल्ड में अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन इस वायरस की ट्रांसमिशन नहीं हुई है, तो इससे बिट रिलीफ फॉर आस। बट फिर भी जैसे मैंने बताया, हम ब्लॉक लेवल पे हमारी कमेटियाँ बनी है, हम इनको इनके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, और जैसे ही हमें कुछ बर्ड्स की डेथ्स का केसेज आते हैं, हम तुरंत प्रोसीजरली जो है इसकी डिस्पोजल करते हैं। H5N1 जो केसेज जो हमने रिकॉर्ड किए थे पोंग डैम में, वो एक हमारे लिए चैलेंज है। हम वी आर टोटली फोकस्ड ऑन इट कि ऐसे केसेज हमारे पास आए तो हम उसको ज़्यादा स्प्रेड होने से बचाने के लिए जो जो प्रोटोकॉल्स है, जो SOPs जारी कर रखी है, उसके बेस पे फील्ड स्टाफ जो है कार्रवाई कर रहा है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वी आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनिमल हेल्थ डिपार्टमेंट, तो कोई भी केसेज हमारे नोटिस में आता है तुरंत हम इन्हें इंटीमेट करते हैं, इनका मे बी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की टेक्निकल असिस्टेंस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, वॉट एवर नॉलेज वी डू हैव इस फील्ड में, और जो भी SOPs गवर्नमेंट द्वारा जारी की है उसके ऊपर फॉलो करते हुए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम डेथ के केसेस की डिस्पोजल करते हैं। अनिल जोशी ने बताया कि हमीरपुर जिला में 24 मामले सामने आए थे, जिनमें दो ही पक्षियों में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। उन्होंने बताया कि पोंग डैम में मिलने वाले वायरस से हमीरपुर के पक्षियों में पाए गए वायरस बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर कमेटियों को गठित किया गया है और पूरी निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है, ताकि बर्ड फ्लू का वायरस ना फैल सके। हाँ, हमारे हमीरपुर में रेंजेज है, 5 रेंजेज है हमारे यहाँ पर, और इनमें अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट 15 ब्लॉक्स जिसमें हम काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका ब्लॉक ऑफिसर्स, वहाँ का स्टाफ, वहाँ का फॉरेस्ट वर्कर्स, दे ऑल इन्वॉल्व इन इट। हमने ब्लॉक लेवल पर टीम का गठन कर रखा है, जहाँ पर ब्लॉक ऑफिसर्स अपनी ज्यूरिडिक्शन के अंदर अपने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट वर्कर के साथ जो है पेट्रोलिंग करते हैं, और अगर उनके कोई भी उन्हें इनकी बर्ड्स की कोई डेथ रिपोर्टिंग आती है तो उनको उचित कार्रवाई की जाती है। हम उसको सैंपल को भेजा जाता है, ताकि हम उसको वायरस की कन्फर्मेशन कर सकें और उसका प्रोसीजरली डिस्पोजल करना।